शेखर अय्यर हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अय्यर साहब, क्या कहेंगे आप, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे बंगाल के रण में उतर रहे हैं, कोलकाता के परेड ग्राउंड में, ब्रिगेड ग्राउंड में रैली के साथ, और एक बड़ा चेहरा मिथुन चक्रवर्ती वो भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो सकते हैं, यानी राजनीतिक पारी, दूसरी राजनीतिक पारी का आगाज कर सकते हैं, ये भी खबर आ रही है। समीर जी, वहां पे मिथुन चक्रवर्ती वहां पे उपस्थित होना एक, अब मैं मानता हूं, एक बहुत बड़ा कैच है बीजेपी के लिए, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती अगर राजनीतिक जीवन देखेंगे, उन्होंने शुरुआत पहले की थी CPIML में। अरे ऑडियो कम करो यार, ऊपर का आवाज मुझे मेरी मिल रही है यार। CPIML के इसे शुरू किए थे, बाद में 2014 में ममता बनर्जी ने उनको राज्यसभा भेजे थे, क्योंकि उनका नाम शारदा और वो जो स्कैम में, क्योंकि वो कुछ प्रमोशन किए थे उनके लिए, जब उनका नाम आया, वो जो प्रमोशन के जो पैसे मिले थे उनको उन्होंने वापस कर दिया था और राज्यसभा से वो इस्तीफा दे दिए थे। तब से वो अपने आप से थोड़ा दूर रखे हैं ममता बनर्जी से, और आज वहां पे शामिल होना, मैं मानता हूं बहुत लोकप्रिय वो एक्टर रहे और लोकप्रिय एक पब्लिकर भी रहे। अगर सौरभ गांगुली और मिथुन चक्रवर्ती दोनों अगर आप देखेंगे, दोनों बंगाल के माने जाते हैं मोस्ट पॉपुलर पर्सनालिटी, तो आज मिथुन चक्रवर्ती वहां ब्रिगेड ग्राउंड पे आना, और जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी की भी वहां छवि है बंगाल में, ये अगर दो फैक्टर आप देखेंगे तो मुझे लगता है आज का इवेंट जो होगा वो अपने आप में बंगाल महाभारत के लिए बड़ा ब्यूगल बजाने वाली काम होगा। और वैसे ही आप देखेंगे जिस तरह से तैयारी हो रही है सारे बंगाल में, वो दक्षिण बंगाल हो या उत्तर बंगाल हो, बीजेपी के कार्यकर्ता के अंदर जो ऊर्जा है वो बहुत हाई लेवल पे है। और दूसरी तरफ जब ममता ने अपने सीटों की जो घोषणा की है, मतलब 294 से उन्होंने 291 सीट घोषणा करने के बाद जिस तरह घमासान लगी हुई है तृणमूल कांग्रेस में, उससे मुझे लगता है कि जो इनफाइटिंग तृणमूल के अंदर, और दूसरी तरफ जो बीजेपी की जो पहली लिस्ट आई है, जो 57 की जो लिस्ट आई है, उसको लेकर कहीं कोई टेंशन दिखाई नहीं दे रहा अभी तक। इसका मतलब बीजेपी ने अपनी सीट बंटवारा एक प्रकार से स्मूथली मैनेज किया अभी तक। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।